नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम। आज हम फिर से एक और दिशा के बारे में बात करेंगे। ये दिशा है साउथ साउथ वेस्ट। इस दिशा को भी बहुत सारे लोगों ने आज तक सिर्फ नेगेटिव दिशा सुना या नेगेटिव दिशा ही माना, पर ये दिशा भी आपके शरीर में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है। कुछ कुछ तो व्यापारी, कुछ कुछ लोग, एक पर्टिकुलर तरीके के लोगों के लिए तो ये व्यापार में और पैसे में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। हालांकि सभी के लिए ही ये एक्सपेंडिचर कंट्रोल का काम करती है, पैसों की बचत का काम कर लेती है और आपके अननेसेसरी खर्चे रोक देती है। इसी तरीके से ये दिशा नेगेटिव ना होते हुए भी अगर इस दिशा को सही कर लिया जाए तो पॉजिटिव टर्न आउट होती है और आपके व्यापार को, आपके जीवन को, आपके शरीर को नई ऊंची उड़ान देती है, समृद्धि और शक्ति भी देती है। साउथ साउथ वेस्ट, दक्षिणी नृत्य कौन भी इसको कई लोग बोल देते हैं। ये जो दिशा है, इस दिशा को डिस्पोजल, एक्सपेंडिचर, खर्चे, आपका गट, शरीर में आपका पेट, इन सब की दिशा कहा जाता है। पर समझने की बात यह है कि अगर ये दिशा कमजोर या ज्यादा हो जाए तो आपको इतना मजबूर कर देती है कि शरीर को क्या रखना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए इस बात की समझ हट जाती है। शरीर के अंदर क्या चीज डिस्पोजल है और क्या चीज नेसेसरी है, इस बात की समझ खत्म हो जाती है। सेम इसी तरीके से आपके दिमाग के अंदर अननेसेसरी थॉट्स का, अननेसेसरी आइडियाज के होने के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं और उसमें से जो एक नर्सिंग निकल कर आती है, इसको भी ये टेक केयर करती है। ये दिशा अगर सही हो तो आपके आइडियाज सही रहते हैं और जो गंदगी है वो बाहर निकलती है। ये दिशा स्पेशली आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ के जो देवता है वो गंधर्व है, आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है ये समझने की बात है। आर्टिस्ट में ये कला होती है कि वो किसी भी तरीके से, मान लो कोई पेंटर है तो उस पेंटिंग में क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना। एक फिल्मकार है, एक मूवी मेकर है, उसने भी करेक्टर में क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना की जो समझ है वो यही दिशा देती है। ये है साउथ साउथ वेस्ट दिशा। व्यापार में कई बार ऐसा होता है कि आपकी सेविंग्स अच्छी हैं, आपका कस्टमर फुटफॉल अच्छा है, आपके पैसे अच्छे हैं, लेकिन अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आपको घर कर लेती हैं। अननेसेसरी के खर्चे, अननेसेसरी स्टाफ का होना, अननेसेसरीली आपकी मशीनों पर खर्चा होना, अननेसेसरीली आपकी दुकान पे कुछ ऐसे खर्चे आ जाना जिसके कारण आपका प्रॉफिट अगर आप साल के एंड में देखो तो बहुत कम हो जाता है। वहां पर भी साउथ साउथ वेस्ट ही रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। साउथ साउथ वेस्ट में व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो कभी भी आपकी टेबल, आपके बैठने का स्थान नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग जो साउथ वेस्ट समझ जाते हैं वो अक्सर साउथ साउथ वेस्ट में बैठे पाए जाते हैं और उनको फिर प्रॉब्लम आती है। साउथ साउथ वेस्ट के अंदर आपके घर में आपका बेडरूम कभी नहीं होना चाहिए। साउथ साउथ वेस्ट में आपकी किचन कभी नहीं होनी चाहिए। साउथ साउथ वेस्ट में आपका पूजा रूम कभी नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? साउथ साउथ वेस्ट में स्टोर रूम हो सकता है, साउथ साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक हो सकता है, साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो सकती है। अगर यहां पर रूम है तो उसको हटाना मात्र एक उपाय है। अगर यहां पर पूजा रूम है उसको हटाना मात्र एक उपाय है। किचन अगर यहां पर है तो आप येलो रंग का पत्थर बर्नर के नीचे जरूर रखकर उपाय कर सकते हो। पर दिक्कत क्या आती है, अगर यहां पर खाने का सामान भी पड़ा हुआ है तो वो आपके शरीर में पोषक तत्वों को ना देते हुए गलत बीमारियों को जन्म दे सकता है। इसलिए किचन ना हो तो सबसे ज्यादा बढ़िया, या फिर आप वहां से खाने पीने का सामान हटा दीजिए। इस तरीके से साउथ साउथ वेस्ट आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर दिशा को समझने के लिए बहुत सारा ज्ञान चाहिए होता है और बहुत सारा एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग व्यापार में प्रॉफिट का नाम सुनते ही वेस्ट की तरफ दौड़ने लगते हैं, सेविंग्स का नाम सुनते ही वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ दौड़ने लगते हैं और कारण नहीं पूछते कि किस कारण से आपको ये समस्या
आ रही है, वो जो भी कारण है उस कारण को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी व्यापारी ने बोला कि अगर मेरा ये खर्चा रुक जाए तो भी मेरे व्यापार में बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको वेस्ट नहीं, साउथ साउथ वेस्ट को देखने की सख्त जरूरत है। कोई हेल्थ के लिए आपके पास आया, उसने बोला मेरा पेट खराब है, उसने बोला मेरे पेट को समझ नहीं कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। कोई आर्टिस्ट आया, कोई व्यापारी आया, कोई नॉर्मल इंसान भी आया जिसने ये बोला कि समय पर यह समझ नहीं आता कि कितना काम का है और कितना वेस्टफुल है। तो भी साउथ साउथ वेस्ट बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। इसी तरीके से हर दिशा को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए ताकि जब प्रॉब्लम आए तो आप उसी दिशा में उपाय कर सको। यहां पर टॉयलेट का कोई उपाय नहीं है, हर दिशा में टॉयलेट का उपाय किया जाता है, पर साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट का उपाय नहीं किया जाता और यहां पर रूम नहीं हो सकता। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। सारी 16 की 16 वीडियोस देखिए जो जोन्स के ऊपर है ताकि आपकी समझ विकसित हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।